तो आज का पहला क्वेश्चन है 133। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में हम आर प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। कह रहा है बाद में नए मूल्य में पुनः आर प्रतिशत की कमी कर दी गई। यदि अब वस्तु का मूल्य एक रुपये है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, ये आपको निकालना है। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले देखिए बुक में अलग तरीके से किया हुआ है, सेम उसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसमें अगर मान लीजिए बुक का जो प्राइस है वो 100 यूनिट था पहले, तो अगर हम आर प्रतिशत इसमें आर परसेंटेज इसमें इंक्रीज करेंगे तो अब नया मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस आर यूनिट हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि बाद में हम नए मूल्य में पुनः आर प्रतिशत की कमी कर देते हैं। तो अगर हमें नया मूल्य अभी 100 प्लस आर है तो इसमें अगर हम आर प्रतिशत की कमी करेंगे तो नया मूल्य क्या होगा, पहले हमारे पास था 100 प्लस आर, अब इसमें इसके आर प्रतिशत को घटा देंगे तो माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 100 प्लस आर का आर प्रतिशत निकालेंगे क्या हो जाएगा, गुणे करेंगे आर बटा 100 कर देंगे, ये हमें इसका आर परसेंटेज निकल गया और 100 प्लस आर में से घटा देंगे तो ये नया मूल्य निकल गया जो कि यही एक रुपये के बराबर है। जो अभी हम यहाँ पे निकाल के लाएंगे वो हमारा एक रुपये के बराबर है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 100 प्लस आर दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा तो 100 प्लस आर को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आपके अंदर क्या वैल्यू निकल जाएगी, इस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1 माइनस आर अपॉन 100, ये हो गया आपका। अब देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस आर हो गया, ये अंदर क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस आर अपॉन 100, ये हो गया आपका। अब ये वैल्यू बराबर है, ये इतना टोटल यूनिट बराबर है आपके एक रुपये के, जो यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट में दिया हुआ है। पूछा क्या है, आरंभिक मूल्य पूछा है, आरंभिक मूल्य हमारा कितना है, 100 यूनिट है, तो ये टोटल इतना यूनिट हमारा एक रुपये के बराबर है। तो हम इसको लेफ्ट साइड में अगर लिखना चाहें, अगर एक रुपये को यहाँ पे हटा देते हैं, इसको यहाँ पे मैं एक रुपये लिख देता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर थोड़ा सा एक बार और स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है तो क्या लिख सकते हैं आप, 100 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, अपॉन हो जाएगा 100। ये टोटल यूनिट बराबर है हमारे एक रुपये के। तो अगर इतना यूनिट एक रुपये के बराबर है तो एक यूनिट का मान निकालना होगा तो कितना हो जाएगा आपका, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 100। अब यहाँ से एक यूनिट का अगर मान निकल गया, आरंभिक मूल्य हमारा कितना था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट निकालना होगा तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा आपका, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 100 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब इसी में हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का जब मल्टीप्लाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको लिख के बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 100 चार बार जीरो अपॉन नीचे 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये चार बार जीरो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। मतलब जो 100 यूनिट इनिशियल जो प्राइस था, आरंभिक मूल्य हमारा निकल के आ गया, तो डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, उसको मैं भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। क्या किया गया है कि 100 यूनिट अगर प्राइस है तो उसको 100 प्लस आर में कन्वर्ट किया जा सकता है, सेम एज इट इज। अगर मान लेते हैं 100 यूनिट प्राइस है और आर परसेंटेज घटाना है तो नई प्राइस क्या हो जाएगी, 100 माइनस आर हो जाएगी। अब क्या किया गया है, इनिशियल इनको मल्टीप्लाई करके चार बार लिख दिया गया, चार जीरो, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में हो जाएगा ये। अब यही जो बराबर होगा वन रुपये के और 1 रुपये के, जब इतना यूनिट 1 रुपये के बराबर हो जाएगा तो एक यूनिट बराबर निकालेंगे तो 1 अपॉन करके 100 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 1 अपॉन करके लिख दिया गया है और इतने को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो सेम आंसर आपका आ गया है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है कि इसको कैसे करेंगे, या आप चाहें तो बुक के मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैंने इसको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। कह रहा है कि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है
तो वास्तविक संख्या आपको निकालना है। इसको दो मेथड से मैं करके बताता हूँ। पहले तो एक सिंपल मेथड आप जान जाइए, कोई भी फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए पहले संख्या 100 यूनिट थी और उसमें 10% घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 90 रुपये हो जाएगा, 90 यूनिट या 90 रुपये कह सकते हैं आप। अब जो 90 यूनिट आपको मिला है, कह रहा है कि फिर उसमें 10% बढ़ा दिया जाता है, तो 90 में अगर आप 10% बढ़ाएंगे तो 99 हो जाएगा। मतलब क्या है, आपके पास इनिशियली में 100 यूनिट था, अब हो गया 99। कितने का चेंज आया है, एक यूनिट का चेंज आया है। और यही एक यूनिट जो चेंज है वो आपको दिया हुआ है कितना, 50 की यूनिट के बराबर है, 50 रुपये 50 यूनिट जो भी आप कह सकते हैं। तो इनिशियली में 100 यूनिट था आपके पास, तो 50 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 5000 इनिशियली वास्तविक संख्या आपको निकल के आ जाएगी यहाँ पे। तो एक मेथड तो ये हो गया आपका। अब इसका जो बड़े लेवल पे जो फॉर्मूला आता है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने उस फॉर्मूले को पहले पिछले पार्ट में मैंने बताया हुआ है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, परसेंटेज नाम से वो प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या में हम आर प्रतिशत का इंक्रीज या डिक्रीज का चेंज करते हैं पहले, फिर क्या करते हैं, हम आर प्रतिशत का इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। मतलब पहले अगर मान लीजिए इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, या फिर पहले डिक्रीज कर दिया फिर इंक्रीज कर दिया, तो जो परसेंटेज चेंज आपका निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन 100%। इतने प्रतिशत का चेंज आएगा, लेकिन ये कमी ही होगी, कमी होगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ इनिशियल में 100 था, तो अगर 2% अगर मान लीजिए 20% मैं इंक्रीज करता हूँ फिर 20% घटा देता हूँ, तो फॉर्मूले में क्या आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 20 का स्क्वायर अपॉन 100। इतना प्रतिशत का चेंज आएगा, मतलब 4% का ये आंसर इसको सॉल्व हो गया है। लेकिन ये 4% क्या होगा, 100 में ये बढ़ेगा नहीं, 104 नहीं होगा ये। मेरे कहने का मतलब, कमी का मतलब क्या था, ये 4% का जो चेंज आएगा वो कम के रूप में आएगा, मतलब 4% की कमी होगी, तो जो फाइनल आंसर आपका होगा वो 96 होगा। ये मैं बताना चाहता हूँ, तो कई लोग इसमें कन्फ्यूज ना हो जाएंगे कि अगर मैं कह दिया हूँ आर स्क्वायर अपॉन 100% का चेंज आएगा तो बढ़ा नहीं देंगे वैल्यू को, वैल्यू में कमी आएगी वो। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सिर्फ इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। 10% पहले घटाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, परसेंटेज चेंज कितना आएगा, आर स्क्वायर अपन 100 करेंगे तो 10 वैल्यू रखेंगे आर के जगह पे, तो 1% आ जाएगा आपका, मतलब 1% का चेंज आएगा। अगर इनिशियल वैल्यू 100 था तो 1% का जो चेंज आएगा तो वो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब ये 100 से 99 हो गया, तो एक यूनिट का चेंज आया है, और वही एक यूनिट 50 के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो 5000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, जिनको अगर याद रह जाता है, बाकी मैंने अभी बताया वो बेसिक तरीका है, बिल्कुल आसानी से उससे भी हो जाएगा, वही चीज़ को इसमें यहाँ पर करके लिखा हुआ है। अब जो बुक में तरीका दिया हुआ है उसको भी मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ बस इस क्वेश्चन में, बाकी आप समझ जाइएगा। 10% घटाया जाता है, अगर मान लीजिए वो संख्या 10 है तो 10% जब माइनस करेंगे तो वो वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर अगर मैं मान लेता हूँ संख्या अगर 10 है, कह रहा है 10% बढ़ाया जाता है, तो नई वैल्यू 11 हो जाएगी। सेम दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या किया गया यहाँ पे, इधर वाले को इनिशियल वाले को हम क्या करते हैं, ये फाइनल इसको लिख देते हैं, तो इनिशियल वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा और फाइनल वैल्यू 99 हो जाएगी। मतलब अगर वो संख्या पहले 100 थी तो वो अब हो गई है 99। यहाँ से आप एक यूनिट का चेंज दिखा देंगे, और यही एक यूनिट का जो चेंज है 50 के बराबर है, तो 50 अगर एक यूनिट के बराबर है तो इनिशियल में वैल्यू 100 यूनिट थी, तो 50 का मल्टीप्लाई करके 5000 ले आ सकते हैं। तो ये बुक में तरीका ये दिया हुआ है। तो तीनों मेथड मैंने यहाँ पे करके बता दिया आपको, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर का, कह रहा है कि चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है, मतलब जितना रुपया हम खर्च करते हैं उतना ही रुपया रखना चाहते हैं। तो कह रहा है कि कटौती के बाद अगर हम क्या करते हैं, जो कंजम्पशन होगा उसी में हम कटौती करेंगे। कह रहा है कि कटौती के बाद जो खपत है में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा। पहले क्या कह रहा है कि चीनी के दामों में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% को पहले हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/5। अगर मतलब मान के चलिए कि पहले हम 5 दाम है 5 रुपए, तो अभी 20% हम उसके दाम में वृद्धि कर देंगे, तो अब नया जो मूल्य कितना हो जाएगा वो 6 रुपए हो जाएगा। तो पहले अगर मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस पी है, उसमें कंजप्शन हम सी का करते हैं, तो उस पर टोटल खर्च कितना, एक्सपेंडिचर ई के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर प्राइस हमें पहले चीनी का 5 रुपए था, कंजम्पशन हमें नहीं पता है, तो अब नया जो प्राइस है हमारा 6 रुपया हो गया है,
अब देखिए होता क्या है, एक्सपेंडिचर हम इसमें कितना लें, चेंज हमारा सेम रखना है, मतलब खर्च हमें पहले जितना ही करना है। तो वैल्यू देखिए, एक्सपेंडिचर को हम क्या माने कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो, इसलिए हम क्या करते हैं, जो प्राइस में पहले 5 और 6 था, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 6 का एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो हमारा है, खर्च है, उसको 30 रुपये हम कॉन्स्टेंट कर लेंगे, मतलब 30 रुपये यहाँ पे एक्सपेंडिचर हम कॉन्स्टेंट रख लेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए, अगर 5 रुपये प्राइस था, 30 रुपये हमारे पास टोटल थे, तो हम कितने किलो चीनी ला सकते हैं, 6 kg हम चीनी ला सकते हैं। लेकिन फिर हमें कहा गया है कि प्राइस हमने 20% बढ़ा दिया है, मतलब 5 रुपये था, अब 6 रुपये हो गया है, एक्सपेंडिचर अर्थात खर्च हमें 30 रुपये ही रखना है। तो अब कंजप्शन कितना रखना पड़ेगा, मतलब कंजप्शन हम अब हमें 5 किलो ही खरीद पाएंगे, इसमें पहले हम 6 किलो खरीदते थे, अब 5 किलो खरीद पाएंगे। तो अब क्या हो गया, कितना चेंज आ रहा है खपत में, हमारा कितना चेंज आ रहा है, 1 kg का डिक्रीमेंट हो रहा है, कटौती हम कितना कर रहे हैं खपत में, 1 kg का। कह रहा है रेशियो पूछा है, तो कटौती हम 1 kg का कर रहे हैं। कह रहा है कि आरंभिक खपत का अनुपात निकालना है, तो आरंभिक खपत हमारा 6 kg था। तो ये जो रेशियो निकल गया, 1:6 का रेशियो निकल गया, सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, ये मैंने थोड़ा सा डिटेल करके आपको बता दिया है, कई लोग इसको बहुत आसानी से यहीं पे 20% की वैल्यू 1/5 लिखेंगे और यहाँ पे 6 और 5 लिखेंगे। पहले इनिशियल प्राइस 5 थी, अब ये 6 हो गया। इनको पता है कि हम एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, तो जाहिर सी बात है ये जो पहलू 5 थी ये यहाँ पे आ जाएगी और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाइंग करेंगे तभी 30 वैल्यू आएगी। ये प्रैक्टिस से हो पाएगा, ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आप जैसे ही देखेंगे, पहले इनिशियल प्राइस जो 5 रुपये थी, अब ये 6 रुपये हो गई, तो खपत में 6 और 5 का रेशियो आ गया, मतलब चेंज कितना आ गया, 1 का, और इनिशियल प्राइस इनिशियल खपत कितना था, 6, तो 1:6 यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर अब वो पूछता है कि कंजप्शन में कंजप्शन पहले कंजप्शन और फाइनल कंजप्शन में कितना चेंज रेशियो है उसका, तो 6:5 का रेशियो है, किसी भी तरीके से ये पूछ सकता है। ये मैंने डिटेल में बताया है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड के अंदर भी इसको आसानी से बिना लिखे कुछ सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तथा इसकी खपत कंजप्शन जो है 20% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, आपको निकालना है। तो इसको हम दो मेथड से करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर निकल के आता है। अगर मैं मान लेता हूँ किसी वस्तु की प्राइस 10 रुपये है, कंजप्शन उसका 10 किलो है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 100 रुपये का खर्च हो जाएगा। पहले लाइन में लिखा है कि 20% हम क्या करते हैं, वस्तु की कीमत कम कर देते हैं। तो अगर पहले 10 रुपये था, 20% अगर कम करेंगे तो नया जो प्राइस हो जाएगा वो 8 रुपये हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसकी खपत कंजप्शन इसका 20% बढ़ जाता है, तो पहले 10 किलो खरीदते थे तो अब हो जाएगा इसका 12 kg, कंजप्शन 20% बढ़ गया। अब जो नया खर्च आ जाएगा, 12 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 96 रुपया अब खर्च हो जाएगा। पहले 100 रुपया होता था, अब 96 रुपया हो गया, कितने कमी हो गई, 4 रुपये की कमी हो गई है। और ये 4 रुपये 100 का कितना प्रतिशत है, तो 4% का डिक्रीज आएगा खर्च में, एक्सपेंडिचर में। तो ये एक मेथड तो आपका ये हो गया। अब इसके पीछे आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, a+b+ab/100। इस फॉर्मूले से भी इसे आसानी से बिना कुछ कैलकुलेशन किए भी लगाया जा सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन को मैं एक से अधिक मेथड में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको समझिए। होता क्या है कि टोटल किसी चैप्टर में 5 से 6 टाइप ही टोटल होते हैं, लेकिन इसी को और बढ़ा करके 5 से 6 टाइप को 20 या 25 टाइप में बदल दिया जाता है, 10 टाइप में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। a+b+ab/100 का जो कॉन्सेप्ट है आपने सुना होगा, किसी भी आयत का लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा। जनरली हम फार्मूला ये वहीं पे यूज करने का मतलब सीखते हैं, लेकिन उसी फार्मूले से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब ये फार्मूला अप्लाई कहाँ होता है आपको मैं बता देता हूँ। कभी भी इस तरह का इक्वेशन बनता है मल्टीप्लाई करके और इक्वल टू के बराबर, जैसे अगर एरिया भी निकालते हैं हम आयत का, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा एरिया निकल जाता है। मतलब लेफ्ट साइड में जो वैल्यू दी हुई थी है, अगर लंबाई में कुछ परसेंट का चेंज करते हैं, चौड़ाई में कुछ परसेंट का चेंज करते हैं, तो एरिया में जो चेंज आएगा
उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह से प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का ही सेम कॉन्सेप्ट यह भी है। प्राइस में कुछ चेंज कर देंगे, कंजप्शन में कुछ परसेंट का चेंज कर देंगे, तो एक्सपेंडिचर में जो चेंज आएगा वो इस फॉर्मूले से हम लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम करके बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए और बी जो है परसेंटेज चेंज है, लेकिन अगर इंक्रीज की जाएगी तो वैल्यू को हम पॉजिटिव प्लस में लिखेंगे, अगर वैल्यू का परसेंटेज चेंज निगेटिव में है मतलब कम की जाती है, कमी की जाएगी, तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। देखिए पहले क्या हुआ है कि 20% की कमी की गई है, मतलब पहले वाले को 20 को हम माइनस में लिखेंगे, चाहे आप इसको ए मानिए चाहे बी मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम कीमत को ए मान लेते हैं तो 20% की कमी होगी तो माइनस 20 लिख देंगे, प्लस खपत में कह रहा है 20% बढ़ जाएगा तो खपत जाहिर सी बात है अगर बढ़ने की बात की गई है तो पॉजिटिव में लेंगे, तो ये तो पॉजिटिव एज इट इज रह जाएगा, प्लस ए प्लस बी हो गया, ए फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ए बी बाई 100 लिखना है तो क्या करेंगे, माइनस 20 गुड़े प्लस 20 गुड़ा कर देंगे बटा 100 कर देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 20 से 20 कट जाएगा, आपका वैल्यू -4 आ जाएगा, ये परसेंटेज में हो जाएगा। मतलब क्या है, माइनस ये बता रहा है कि जो खर्च है उसमें कमी होगी, और कितने परसेंट की कमी होगी, 4% की कमी होगी, तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आप चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते, मतलब ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो भी आंसर हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर आपने जो आयत के कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन इसको भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, कभी कभी किताबों में या फिर कोचिंग में या फिर कई चैनल पे मैं देखता हूँ कि इसको भी एक अलग टाइप के तौर पे कराया जाता है, बल्कि कोई भी टाइप नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं पर वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक से अधिक टाइप में आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें। 7300 बुक मैं पहले से इसको सॉल्व करा रहा हूँ, तो जो लोग प्लेलिस्ट में नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और कई चैप्टर मैं वहाँ पे कराया हूँ, तो वहाँ पर आप देखिएगा। परसेंटेज का ये छठा पार्ट था, इससे पहले 5 पार्ट मैंने बहुत पहले कराए हुए थे, तो अब इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैथ्स को मैं अभी कंटिन्यू करूँगा, और इसके बाद मैं किरण पब्लिकेशन का एक स्पेशल मैथ का बुक है तो रेलवे से रिलेटेड है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ पूरा सॉल्व कराऊँ, जिससे कई लोग जो रेलवे की तैयारी करते हैं तो उसमें मैथ उनका बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो जाए, और सारे क्वेश्चन मैं उसमें कवर करा दूंगा। तो चैनल से बने रहिए, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।